बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी और देखी होंगी जो इस बात के ऊपर होती हैं कि बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ। बड़ी हंसी आती है इस बात पे कि जो राइटर हैं और जो मोटी मोटी किताब लिखते हैं, क्योंकि किताब लिखने के कई तरीके हैं। आजकल किताब लिखने का जो सबसे फेमस तरीका है वो ये है कि 8-10 किताब आप एक साथ ले लीजिए और उसमें से सारे टॉपिक में से कहीं कुछ छाट लीजिए, उसको टाइप करा लीजिए और अपने नाम से छाप लीजिए। सबसे बड़े तरीका पीछे उसका रेफरेंस डाल दीजिए कि यहाँ यहाँ से ये लिया है, किताब छप गई। जितनी मोटी किताब आपको चाहिए उतनी मोटी किताब तैयार है। जो सज्जन भी ये किताब लिखते हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के बारे में या बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, उन पर हंसी इसलिए आती है क्योंकि पहली बात तो भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया ही नहीं। ना बुद्ध धर्म दिया, ना बुद्ध धम्म दिया, ना बौद्ध धम्म दिया। दरअसल बौद्ध जो शब्द है वो पाली जो साहित्य है जो भगवान बुद्ध ने जो पढ़ाया और जो बताया उसमें बौद्ध शब्द है ही नहीं। उन्होंने बेसिकली धम्म सिखाया और वो धम्मिक बोला करते थे। जो धम्म था, धम्म मतलब प्राकृतिक जो रूल्स हैं, जो नेचर के रूल्स हैं, जो कुदरत के नियम हैं, उनको धम्म बोला जाता है पाली के अंदर। तो वही सिखाया उन्होंने जो प्रकृति के में विद्वान है, प्रकृति के अंदर है, वही वो सीखते थे, वही सिखाते थे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो बुद्ध धर्म वो बोलते हैं या बौद्ध धर्म बोलते हैं उसका कभी पतन नहीं हो सकता। बेसिकली धम्म का पतन नहीं हो सकता क्योंकि धम्म तो नेचर है। तो धम्म का पतन नहीं हो सकता, धर्म का पतन नहीं हो सकता क्योंकि संस्कृत भाषा में धम्म को धर्म कहते हैं। तो ना धर्म का पतन हो सकता है ना धम्म का हो सकता है क्योंकि वो नेचर है। पतन जो होता है उसको मानने वाले का होता है। जब भी धम्म को मानना छोड़ देंगे मानने वाले का पतन आरंभ हो जाता है। धम्म अपनी जगह आरूढ़ है, बिल्कुल स्थित है, बिल्कुल अटल है और बिल्कुल सच है। जब तक पृथ्वी रहेगी, यूनिवर्स रहेगी, प्राकृतिक नियम रहेंगे, धम्म रहेंगे। बेशक लोग भूल जाएं, कोई और निकाल के ले आएगा कि प्रकृति के नियम ऐसे हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने बताया कि भई ये नियम जो भी ढूंढेगा वही नियम सेम रहेंगे जो मैंने बताए हैं, क्योंकि वो सेम है प्रकृति में, वही काम करते हैं, वो बदलते नहीं है। तो किसी भी हालत में बुद्ध के धम्म के बताए हुए जो नियम है, यानी जो बुद्ध ने देखे और समझे, उनका कभी पतन नहीं हो सकता। पतन हमेशा उनको मानने वाले का होगा। भारत में भी मनुष्यों का पतन हुआ, यानी जो लोग मानते थे उन्होंने मानना छोड़ दिया, उनकी अवनति हुई, उनका पतन हुआ, उन लोगों का नुकसान हुआ, वो लोग गर्त में चले गए। धम्म नहीं गया, धम्म पूरी दुनिया में चला गया और प्रकाश फैलाता रहता है। इसलिए धम्म ना बढ़ सकता है, ना धम्म घट सकता है, ना धम्म का पतन हो सकता है, ना धम्म की कोई लाभ हो सकता है, ना धम्म की हानि हो सकती है। वो नेचुरल नियम है, प्राकृतिक नियम है, वो ऐसे के ऐसे ही काम करते रहते हैं। भगवान बुद्ध ने बहुत स्पष्ट शब्दों में उनको बताया है। इसलिए बराए मेहरबानी के अपने दिमाग से इस मिथक को निकाल दें कि बुद्ध धम्म का कहीं पतन हुआ था। बुद्ध धम्म का कभी पतन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्ध ने जो धम्म बताया, प्राकृतिक नियम बताए, वो अटल हैं, अमर हैं और वो सनातन हैं। सनातन बोला है, एस धम्मो सनातनो, यानी कि यह जो धम्म है ये सदा है, मेरे अंदर से लेके मेरे बाहर तक। यानी कि जो मैं बना हुआ हूँ, मैं भी प्राकृतिक नियम से बना हुआ हूँ और जो मेरे बाहर है सारा, जिसको परलोक बोलते हैं, शरीर को लोक बोलते हैं और शरीर के बाहर को परलोक बोलते हैं। तो लोक में और परलोक में जो नियम चलते हैं यूनिवर्स तक, वो सारे के सारे ही सनातन है, हमेशा रहेंगे। धन्यवाद। शरणं गच्छामि।